सीधे आपको दिखाते हैं सीएम धामी क्या कुछ कह रहे हैं प्रधानमंत्री से मुलाकात के बाद। अमृतसर कोलकाता कॉरिडोर के अंतर्गत एक इंडस्ट्रियल पार्क हमारा खुरपिया फार्म में बनना है किच्छा में, उसके लिए 410 करोड़ रुपए की धनराशि जल्दी से जल्दी अवमुक्त हो जाए और हम दिसंबर माह में उत्तराखंड के अंदर, क्योंकि इस समय पूरे देश दुनिया के जो उद्योग समूह से जुड़े हुए लोग हैं, इन्वेस्टर हैं, वो आना चाहते हैं। एक सकारात्मक माहौल वहाँ पर निर्मित हुआ है, तो माननीय प्रधानमंत्री जी से मैंने अनुरोध किया है कि वो इन्वेस्टर समिट में भी आकर हम सबके बीच में जो है उसको, क्योंकि लोगों के प्रोत्साहन के लिए उसका समय देने का भी जो है उनसे अनुरोध किया है। साथ में GST लागू होने के बाद जो कैपिटल सब्सिडी को भी जारी रखने का मैंने अनुरोध किया है, क्योंकि हमारे राज्य में GST के कारण से मिनिमम कंज्यूमर होने के कारण से और मैक्सिमम काफ़ी चीज़ें हमारे यहाँ उत्पादित होती हैं, उसका लाभ हमको सीधे सीधे थोड़ा कम मिलता है। और साथ में जोशीमठ में जो आपदा आई थी, उस आपदा से तमाम क्षतिपूर्ति होनी है, लोगों का पुनर्वास होना है, उस पर भी आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने हमें पूरा आश्वासन दिया है कि उस पर उनकी तरफ से सकारात्मक रूप से सहयोग किया जाएगा केंद्र की तरफ से। चार धाम यात्रा तेज़ी से चल रही है और अभी तक 34 लाख लोगों ने दर्शन कर लिए हैं, जो अपने आप में एक बहुत बड़ा रिकॉर्ड है। 22 अप्रैल 2023 को यात्रा प्रारंभ हुई थी और इतने कम समय में इतने ज़्यादा यात्रियों का दर्शन करना अपने आप में यात्रा की ऐतिहासिक होने की ओर आगे बढ़ रही है। साथ ही साथ जो केदारनाथ जी का जो एक ड्रीम प्रोजेक्ट माननीय प्रधानमंत्री जी का है, जिसकी वो हमेशा समीक्षा करते हैं, उसकी मैंने उनको जानकारी दी कि तेज़ी से पुनर्निर्माण के कार्य चल रहे हैं। बद्रीनाथ धाम का भी जो मास्टर प्लान है उस पर भी तेज़ी से काम हो रहा है और हम लोगों ने ये लक्ष्य रखा है कि इस साल अधिकतम काम दिसंबर माह तक उसके पूरे करवा लिए जाएं। साथ ही आज से कांवड़ यात्रा भी प्रारंभ हो रही है और कांवड़ यात्रा में भी बड़ी संख्या पूरे देश भर के शिव भक्तों की आती है, जो माँ गंगा का जल लेकर अपने अपने स्थानों पर जाते हैं। तो उस यात्रा के संबंध में भी आदरणीय प्रधानमंत्री जी को अवगत कराया है। साथ में जो GST कलेक्शन है, वो GST कलेक्शन हमारे राज्य में पिछले वर्ष की तुलना में 23% अधिक बढ़ा है, जो अपने आप में एक बड़ी मैं कहूँगा कि उपलब्धि है, उस पर भी आदरणीय प्रधानमंत्री जी को अवगत कराया है। साथ में निकट भविष्य में, क्योंकि लंबे समय से माननीय प्रधानमंत्री जी का उत्तराखंड का प्रवास नहीं हुआ है, इसलिए मैंने आदरणीय प्रधानमंत्री जी से अनुरोध किया है कि जल्दी ही उत्तराखंड का प्रवास भी जो है हम सबके बीच में आकर करें। क्या यूसीसी भी डिस्कस हुआ है प्रधानमंत्री से, क्योंकि पहला स्टेट होगा पोस्ट इंडिपेंडेंस अगर यूसीसी इंप्लीमेंट होता है? आज मैंने जो आप सबको मुद्दे बताए हैं उन्हीं मुद्दों पर मेरी चर्चा। क्या अमित शाह जी से आपकी कल शाम को बैठक हुई थी, क्या उसमें डिस्कस हुआ था? अमित शाह जी से भी, चूँकि राज्य के अंदर जो कानून व्यवस्था की स्थितियाँ हैं, चार धाम यात्रा की स्थिति है और आपदा से, चूँकि हमारे राज्य को प्रत्येक वर्ष बरसात के समय में आपदाओं का सामना करना पड़ता है, उसी आपदा के संबंध में जो हमने राज्य ने जो तरक्की जो जानकारियां करी हैं या जो तैयारियां करी हैं उन सब के बारे में चर्चा हुई है। और साथ ही साथ क्योंकि STRF के साथ साथ NDRF भी जो केंद्र की हमारी है, वो भी चारधाम यात्रा और आपदा के समय में हमारे पूरे सहयोग के लिए हर समय जगह जगह पर तैनात रहती है। तो और पिछले वर्षों में जो आपदा आई थी उसमें केंद्र की सरकार ने आपात स्थिति में हेलीकॉप्टर, ITBP की वाहनियाँ, NDRF की टीमें भेजी थी, उसके लिए मैंने उनका धन्यवाद। सर, इस स्केड्यूल में टाइगर्स को एग्जेम्प्ट किया गया है किसी और भी रूल्स में आने के लिए, आपको लगता है UCC के अंडर के एग्जेम्प्ट किया जा सकता है? क्योंकि सुशील कुमार मोदी जी का जो वक्तव्य आया कल पैनल की मीटिंग के बाद कि एग्जेम्प्ट किया जा सकता है, आपको लगता है उत्तराखंड में इस पर विचार हो सकता है? देखिए, अभी तो चूँकि UCC कमेटी का ड्राफ्ट कम्प्लीट रूप से हमें नहीं मिला है और उनका ड्राफ्ट जब मिलेगा तो उस पर तभी कुछ कह पाना संभव होगा। कब तक संभव है? अब हम बहुत देर भी नहीं करेंगे और जल्दबाजी में जो है ऐसा काम भी नहीं होगा कि जो है कि कोई ऊपर का नीचे हो जाए, इसलिए बहुत सोच समझ कर उस पर काम होगा। कब तक माना जाए, कब तक अगले नेक्स्ट सेशन में या कुछ मिड सेशन में?
आप जल्दी मानिए कि जल्दी थोड़ा इंतजार कर लीजिए। सर आपके 2 साल हो गए सीएम पद लिए, 25 उत्तराखंड विजन रखा आपने, अभी क्या महत्वपूर्ण कार्य है जो आप आगे लेके चल रहे हैं? नहीं, उत्तराखंड देश का अग्रणी राज्य बने, उत्तराखंड हर क्षेत्र में आगे बढ़े, उसके लिए मुख्य सेवक के नाते मुझे जो दायित्व मिला है मैं उस पर काम कर रहा हूँ और सभी का सहयोग मिल रहा है और हर उत्तराखंडवासी राज्य को आगे बढ़ाने के लिए अपना योगदान दे रहा है और मैं यही कहना चाहूँगा कि सबका सहयोग निरंतरता से हमें मिला है। एक एक पल और एक एक क्षण हमने प्रयास किया है कि राज्य के लिए लगाएं, राज्यवासियों के लिए लगाएं। देखिए चूंकि क्या है कि इस पे यूसीसी कमेटी ऑलरेडी काम कर रही है और ट्राइबल्स के बीच में भी और आदिवासी क्षेत्रों में भी, बहुत सीमांत क्षेत्रों में भी उस कमेटी ने ट्राइबल्स लोगों के बीच में जाकर भी उनके समूह से भी बात की है और उनके विचार भी लिए हैं, तो उसका सबका संकलन है उसमें यूसीसी कमेटी में। सर यूसीसी की एक्सटेंशन में पूछ रहा था, बीजेपी का हमेशा से फुल प्रॉमिस रहा है, यूसीसी प्रधानमंत्री भी यूसीसी के बारे में जिक्र कर चुके हैं, क्योंकि उत्तराखंड अगर आपकी कमेटी की रिपोर्ट और ड्राफ्ट तैयार है तो क्या आपको लगता है कि उत्तराखंड एक रोल मॉडल बन सकता है? और जिस तरह से देखिए हिंदू मेजोरिटी है वहाँ पे, तो उत्तराखंड देखिए हमेशा से चूंकि उत्तराखंड देवभूमि है और जो भी काम होता है वो मानवता के लिए होता है, सबके लिए होता है और भगवान की इच्छा से होता है, तो उत्तराखंड में ऐसा काम होगा कि आगे चलकर वो सब जगह चलेगा। सर कैबिनेट का कुछ विस्तार वगैरह हो सकता है? अभी इसका कोई चर्चा नहीं। पीएम साहब को बताया आपने यूसीसी की प्रक्रिया कंप्लीट होगी, इसके बारे में जानकारी दिया? पीएम साहब देखिए चूंकि उनको सभी इसके प्रावधानों के बारे में और उनकी सोच ही है कि देश के अंदर ये लागू होना चाहिए और उन्होंने स्वयं ही अपने वक्तव्य में कहा है, इसलिए उनको अधिकांश चीजों की सबकी जानकारी है। सर एक सवाल ये है कि आपने गृह मंत्री अमित शाह से कल मुलाकात की, प्रधानमंत्री से आप मिले, चर्चा ये है कि बैठक में जो है कमेटी की अध्यक्षता भी मौजूद थी? नहीं, मैं मिला था। धन्यवाद। जो कैपिटल सब्सिडी को भी जारी रखने का मैंने अनुरोध किया है, क्योंकि हमारे राज्य में जीएसटी के कारण से मिनिमम कंज्यूमर होने के कारण से और मैक्सिमम काफ़ी चीज़ें हमारे यहाँ उत्पादित होती हैं, उसका लाभ हमको सीधे सीधे थोड़ा कम मिलता है। और साथ में जोशीमठ में जो आपदा आई थी उस आपदा से तमाम क्षतिपूर्ति होनी है, लोगों का पुनर्वास होना है, उस पर भी आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने हमें पूरा आश्वासन दिया है कि उस पर उनकी तरफ से सकारात्मक रूप से सहयोग किया जाएगा केंद्र की तरफ से। चार धाम यात्रा तेजी से चल रही है और अभी तक 34 लाख लोगों ने दर्शन कर लिए हैं, जो अपने आप में एक बहुत बड़ा रिकॉर्ड है। 22 अप्रैल 2023 को यात्रा प्रारंभ हुई थी और इतने कम समय में इतने ज़्यादा यात्रियों का दर्शन करना अपने आप में यात्रा की ऐतिहासिक होने की ओर आगे बढ़ रही है। साथ ही साथ जो केदारनाथ जी का जो एक ड्रीम प्रोजेक्ट माननीय प्रधानमंत्री जी का है, जिसकी वो हमेशा समीक्षा करते हैं, उसकी मैंने उनको जानकारी दी कि तेजी से पुनर्निर्माण के कार्य चल रहे हैं। बद्रीनाथ धाम का भी जो मास्टर प्लान है उस पर भी तेजी से काम हो रहा है और हम लोगों ने ये लक्ष्य रखा है कि इस साल अधिकतम काम दिसंबर माह तक उसके पूरे करवा लिए जाएं। साथ ही आज से कांवड़ यात्रा भी प्रारंभ हो रही है और कांवड़ यात्रा में भी बड़ी संख्या पूरे देश भर के शिव भक्तों की आती है, जो माँ गंगा का जल लेकर अपने अपने स्थानों पर जाते हैं, तो उस यात्रा के संबंध में भी आदरणीय प्रधानमंत्री जी को अवगत कराया है। साथ में जो जीएसटी कलेक्शन है, वो जीएसटी कलेक्शन हमारे राज्य में पिछले वर्ष की तुलना में 23% अधिक बढ़ा है, जो अपने आप में एक बड़ी मैं कहूँगा कि उपलब्धि है, उस पर भी आदरणीय प्रधानमंत्री जी को अवगत कराया है। साथ में निकट भविष्य में चूँकि लंबे समय से माननीय प्रधानमंत्री जी का उत्तराखंड का प्रवास नहीं हुआ है, इसलिए मैंने आदरणीय प्रधानमंत्री जी से अनुरोध किया है कि जल्दी ही उत्तराखंड का प्रवास भी जो है हम सबके बीच में आकर करें।